पहुंचा रहे हैं। ऑनरेबल गवर्नर फॉर परमिशन टू स्टार्ट द फंक्शन। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर टू अलाउ मी टू रीड आउट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डेसिग्नेट। आदेश, आदेश संख्या वैधा 16/2024 1765 दिनांक 4/7/2024। मैं सीपी राधा कृष्णन झारखंड का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। सीपी राधा कृष्णन राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर, ऑर्डर नंबर वेदर 16/2024/1765 डेटेड 4/7/2024। आई सीपी राधा कृष्णन गवर्नर ऑफ झारखंड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन मी अंडर आर्टिकल 164(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंट श्री हेमंत सोरेन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट। सीपी राधा कृष्णन गवर्नर ऑफ झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तस्वीरें राजभवन की, जहां पर शपथ की औपचारिकताएं पूरी करते हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं तीसरी बार बतौर झारखंड के मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं हेमंत सोरेन पूरी कर रहे हैं। पहली बार अगर बात करें हेमंत सोरेन की तो 13 जुलाई 2013 की वो तारीख थी जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। तो झारखंड वासियों की अगर बात करें तो 13वीं बार के जो मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन इस कुर्सी को संभालेंगे और खुद तीसरी बार ये शपथ हेमंत सोरेन की। दूसरी बार की अगर बात करें तो 29 दिसंबर 2019 की तारीख थी जब दूसरी बार शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने लिया था। जेएमएम राजद और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार की जो मुखिया थे वो हेमंत सोरेन रहे और जमीन घोटाला का मामला जिस तरीके से सामने आया और जेल में बंद रहे हेमंत सोरेन, उसके बाद से जब जेल से बाहर आए और जेल तक जब तक रहे तो सीएम के तौर पर चंपाई सोरेन इस कार्यभार को संभालते रहे और जमानत मिलते ही 45 विधायकों के समर्थन के साथ दावा पेश किया गया कि अब मुख्यमंत्री का जो बागडोर है इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन संभालेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस साल के अंत में झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में ये लगातार कांग्रेस की तरफ से भी चर्चा हो रही थी, ये जेएमएम के जो कार्यकर्ता थे वो भी चाह रहे थे कि ऑनरेबल गवर्नर फॉर परमिशन टू कंक्लूड द फंक्शन।
सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। Honorable Governor to present the bouquet. तो देखिए औपचारिकताएं इस शपथ ग्रहण समारोह की वो पूरी हुई और देखिए अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलते हुए बुके देते हुए अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं क्योंकि शपथ ग्रहण की जो औपचारिकताएं हैं वो अब पूरी हो गई है और तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है तो झारखंड वासियों को 13वां मुख्यमंत्री मिला है और हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो तीसरी बार उन्होंने इस पद की शपथ ली है। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। हालांकि आज अकेले हेमंत सोरेन ने ही शपथ ली है लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो कैबिनेट को लेकर के बाकी मंत्रियों के शपथ की तारीख जो है वो भी अब जल्द सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन उससे पहले राजभवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेएमएम के विधायक कांग्रेस के विधायक और इस सरकार में जो मंत्री हैं उनकी मौजूदगी है और देखिए इरफान अंसारी की एक तस्वीर खास दिखा रहे हैं। इरफान अंसारी की भी मौजूदगी है जिनको लेकर के चर्चाएं ये हो रही है और इरफान अंसारी जो है वो ठीक सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं। तो जो औपचारिकताएं होती है वो भी अब पूरी हो चुकी है और बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर अब हेमंत सोरेन ने इस कुर्सी को संभाल लिया है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज 18 संवाददाता। संजय अब झारखंड की राजनीति का एक कह सकते हैं कि नया अध्याय और हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है। अब झारखंड की सियासत किस जोर गति से आगे बढ़ेगी क्योंकि क्या हलचले भी देखने को मिलेंगी आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव भी है। झारखंड देखिए बिल्कुल झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को आज राज्य का 13वां मुख्यमंत्री मिल गया है और हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल ली और देखिए अब जो है राज्य की सियासत जो है सीधे चुनाव की तरफ जाएगी। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है जेएमएम की ओर से गठबंधन की ओर से ताकि हेमंत सोरेन के चेहरे को लेकर जो जेएमएम की ओर से दावा किया जाता है वो दावा दरअसल अब चुनाव के लेकर इस तैयारी को लेकर थी इस तारीख को लेकर थी जो तारीख आज आप देख रहे हैं। तो अब इसके बाद जेएमएम के कार्यक्रम में भी आपको तेजी आएगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी तेजी आएगी तमाम जगहों पर राज्य के तमाम प्रमंडल में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शुरू होगा और हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री मंच पर नजर आएंगे और वो बात बताएंगे जो एक सियासी बातें होती है घोषणा होता है ऐलान होता है अपनी बात जो माइलेज देने की जो कोशिश होती है वो तमाम चीजें आप देखते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझना है कि वास्तव में संथाल ने कुर्सी संभाली है और कोल्हान ने कुर्सी छोड़ी है तो आपको ये दोनों समीकरण समझना होगा कि किस तरीके से चुनाव में इसको लेकर विपक्ष जो है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करता है। अगर आप देखेंगे कि पिछली बार के चुनाव को देखेंगे कि संथाल की 7 सीटों को पिछली बार गठबंधन ने जेएमएम ने जीता था कोल्हान की 14 सीटों को जेएमएम ने जीता था लेकिन इस बार अगर कोल्हान की 1 भी सीट अगर कम होती है तो आप आज की तारीख से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं विपक्ष उसको लेकर हमला करेगा कि वास्तव में चंपई के बदले जाने का कहीं एक बड़ी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि फिलहाल जो सियासत में गति आएगी और आज के बाद आप झारखंड की राजनीति को एक नई रफ्तार में देखेंगे और वो आप देखेंगे किस तरीके से कार्यक्रम तय होते हैं और जो इतने भी कार्यक्रम आप देखे हैं कि चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उन कार्यक्रमों को रद्द किया गया था अब तमाम कार्यक्रम की तारीख आपको तय होती नजर आएगी। जी
जी बिल्कुल, थोड़ी देर में आपको यहाँ से जब मुख्यमंत्री, जो नए मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, आपको राजभवन से बाहर निकलेंगे और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पर तमाम मीडिया की यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, शायद यहीं पर आएंगे हेमंत सोरेन और अपनी बातों को रखेंगे भी कि वास्तव में ये जवाब भी, सवाल भी पूछा जाएगा उनसे कि ये बदलाव क्यों जरूरी था, क्या वास्तव में चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री रहते क्या जेएमएम कोई वो सफलता हासिल नहीं कर सकता था जिस सफलता को लेकर जेएमएम दावा कर रहा है। लेकिन अब चूंकि हेमंत सोरेन कुर्सी संभाल चुके हैं और जेएमएम की ओर से भी यह दावा भी किया जाएगा कि वास्तव में चुनाव को लेकर जो उनकी तैयारी है वो तैयारी अब दुगुनी गति से आगे बढ़ेगी। जी संजय, एक खास कह सकते हैं कि इसे वाक्या कहे, सहयोग कहे, कि जिस राजभवन से गिरफ्तारी होती है हेमंत सोरेन की, उसी राजभवन में आकर के 156 दिन के बाद से वो दोबारा शपथ लेते हैं और ठीक उसी जगह जहां वीडियो वो शूट करते हैं जेल जाने से पहले, और फिर आज भी वीडियो उन्होंने जारी किया, संदेश दिया और जो एक इमोशनल भावनात्मक बातें हैं उससे भी जोड़ने की कोशिश उन्होंने की है, तो क्या ये लगता है कि जो इमोशनल कार्ड है वो भी विधानसभा चुनाव के वक्त में जेएमएम के लिए, जब हेमंत सोरेन अगर आज शपथ ले रहे होंगे तो उनके जहन में ये बातें जरूर होंगी कि ये वही राजभवन है जहां वहां उनकी गिरफ्तारी हुई थी, आज ठीक 5 महीने बाद वो इसी राजभवन में शपथ भी ले रहे हैं। तो वक्त का दौर है, वक्त का बदलना जरूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है और पार्टी हो या इंसान, परिवर्तन के सहारे ही लोग बढ़ते हैं और हेमंत सोरेन उसी एक बड़े परिवर्तन को पार्टी के अंदर करके राज्य की 3.5 करोड़ जनता को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में अब जो है जेएमएम या सत्ताधारी दल या जो सरकार है वो किस तरीके से आपके लिए आगे बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। हेमंत सोरेन के चेहरे पर गठबंधन आगे बढ़ना चाहता है और उसी चेहरे को आगे करने की कोशिश की गई है। जी चलिए संजय आपके पास आएंगे, ओम प्रकाश भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ले ली है, लेकिन अब बाकी अगर इस अगले 4 महीनों की खास करके बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और इन 3-4-5 महीनों की अगर बात करें, तो क्या अब स्ट्रेटेजी जो है वो नजर आएगी हेमंत सोरेन की, जेएमएम की और इस गठबंधन सरकार की? बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन्होंने दूसरी बार शपथ लिया है, जाहिर तौर पर उनके नाम पर ही गठबंधन चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ना हो और इन्हें नेतृत्व दिया गया है और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो अगर पार्टी पूरी गठबंधन की जो तमाम नेतागण है, जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने समर्थन दिया है, जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर और तमाम तैयार अपने लेकर ये कवायद है। जाहिर तौर पर इस वक्त जो नजारा है राजभवन के आसपास का, उसकी भी बात करें तो यहाँ भी काफी गहमा गर्मी है, हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह है, तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों में उत्साह भी है, जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं सभी लोग उत्साहित हैं और पूरी तरह से जो कवायद है जो विधानसभा चुनाव को लेकर है, क्या विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बाद से हेमंत सोरेन के चेहरे के साथ ही विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जो अंतिम मंत्री होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी राजनीतिक दलों के लिए, वर्तमान सत्ताधारी दल के लिए, ताकि वो अपने जो वायदे हैं, अपने कार्य हैं, उन तमाम चीजों को पटल पर रख सके, जनता के वायदों को लेकर जो पहुंचे थे उन वायदों को पूरा कर सके और कहीं ना कहीं अपने नाम को बुलाया जा सके, तमाम चीजों की कवायद है और उसी कवायद के तहत हेमंत सोरेन को इस बार फिर जो है वो सत्ता की कमान जो है वो सौंपी गई है और इसको लेकर जो तमाम जो भी नेता जो भी जनप्रतिनिधि अपने समर्थन जो है तो अब विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, किस तरह से तमाम चीजें जो है वो आगे आती है। खासतौर से अगर बात की जाए तो जो चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे हैं सरकार से लोक लुभाव, चलिए उनका आपके पास नोटिंग है, विनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार और सीएम आवाज से वो खबर भी पहुंचा रहे हैं। अविनाश, अगर बात करें बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर, ये तीसरा कह सकते हैं कि कार्यकाल, तीसरी शपथ जो है वो पूरी हुई है, आने वाले जो समय बचे हुए हैं, और सबसे खास की अगर सीएम हाउस की अगर तस्वीर दिखा पाए तो थोड़ी वहां की भी तस्वीर दिखाइए कि वहां क्या हलचल अभी नजर आ रही है। नहीं देखिए, सही कहा आपने और हम आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, आप अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार हम लोग जो आवास जाने के जो रास्ते हैं उस रास्ते के बाहर ही हम ठीक खड़े हैं, लेकिन आपको अंदर की ओर
ले जाना भी चाहेंगे। यहाँ एक तैयारी जरूर आपको दिखेगी क्योंकि अब जो है यहाँ शपथ ग्रहण चुकी हो चुका है, अंदर से ये सूचना आ चुकी है, तो यहाँ जो सुरक्षा में जो जवान हैं वो थोड़े अलर्ट हो गए हैं। अलर्ट इसलिए हो गए हैं कि उनको ऐसा मालूम है कि वहाँ खत्म होने के बाद जब पूरे कार्यक्रम हो जाएंगे तो वहाँ से सीधा उन्हें यहाँ आना है, इसलिए ये अलर्ट मोड में आपको सुरक्षा बल के जवान दिख जाएंगे। इसी रास्ते से होकर पूरा परिवार अगर हम कहें तो राजभवन गया था, और बहुत महत्वपूर्ण भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, और खासकर अगर हम 28 जून से लेकर अभी तक की बात कर लें जब वो हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जेल से अपने आवास पहुंचे थे, उस दिन से लेकर अभी तक में हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। चाहे वो हेमंत सोरेन जब यहाँ पहुंचे हों, घर में उनका स्वागत किया गया था पारंपरिक तरीके से, चाहे घर पर अगर जाकर अपने माँ के द्वारा जो उनका स्वागत किया गया, दुलार किया गया, उसकी बात कर लें, या फिर अगर आवास पर उनकी पत्नी ने जिस तरह से स्वागत किया, उसके बाद हुल दिवस में भी वो तेवर देखने को मिला बाहर, इसी आवास के बाहर जो फ्रंट वाला जो गेट है उसके बाहर उन्होंने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और याद दिलाया कि यहीं से वो, इससे पहले भी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भी उन्होंने यहाँ से संबोधन किया था और उसके बाद वो गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें याद दिलाई भी जा रही है, याद भी है लोगों को, कार्यकर्ताओं को खासकर, और आज जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपने भी अभी उसकी चर्चा की कि उसी कमरे से एक वीडियो जारी किया गया है, जब ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो बाद में रिलीज भी किया गया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से वो षड्यंत्र का एक शिकार हुए हैं। आज वो मैसेज दे रहे हैं, देखिए पूरी तरह से परसेप्शन का ही ये पूरी तरह से ये पॉलिटिक्स भी है, लोगों के अंदर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे ले जाया जाए, कैसे उन्हें इस पूरे घटनाक्रम से जो है वो कनेक्ट किया जाए, यही एक कोशिश हेमंत सोरेन की है। और पूरा जेएमएम की अगर हम बात कर लें, और यहाँ अगर गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भी इसी रूप में उनको सहयोग कर रहे हैं कि पूरे मामले को एक एक घर तक लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अभी शपथ ग्रहण हुआ है इसके बाद फ्लोर टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट के बाद में आपको हेमंत सोरेन और उनके जो मंत्री हैं खासकर वो आपको न्याय यात्रा में दिखेंगे, जो झारखंड में एक यात्रा शुरू होने वाली है, संभवतः वो विधान हर एक विधानसभा जो क्षेत्र है उसको वो कहीं ना कहीं टच करेगी, लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी पूरे इलाके में, चाहे वो संथाल से लेकर कुल्हान तक की बात कर लें या पलामू से लेकर धनबाद तक की बात कर लें, पूरे इलाके में हेमंत सोरेन जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि जो आरोप लगाए गए थे और जिस तरह से वो 5 महीने तक जेल में रहे वो क्या था और कोर्ट ने क्या कहा है। तो तस्वीरें जैसे जैसे बदल रही हैं, समय बदल रहा है और राजनीतिक संदेश भी। चलिए बिल्कुल आपके पास अविनाश आएंगे, निरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी इस बात की चर्चा थी और इस बात को लेकर के कहा भी ये जा रहा है कि झारखंड में अगर कांग्रेस को अपनी भी नैया पार करानी है तो हेमंत सोरेन का चेहरा जरूरी हो जाता है, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री के तौर पर अगर संभालेंगे इस कुर्सी को, झारखंड को, और ऐसे में हेमंत सोरेन की जो फौज होगी, जिस नए स्वरूप की बात हो रही, जिस कैबिनेट की बात हो रही, जिसमें जो कांग्रेस से कई जो चेहरे हैं उनको शामिल करने की बात हो रही है, तो ऐसे में अब कांग्रेस की भी रणनीति क्या रहेगी हेमंत सोरेन के साथ कैबिनेट को लेकर भी? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। अभी 5 जून को जो 4 जून को जो रिजल्ट निकले लोकसभा का, खूंटी और लोहरदगा दोनों कांग्रेस के झोली में गई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पूरी सियासत है झारखंड की उसमें कांग्रेस को फायदा हो रहा है, क्योंकि आप देखें तो पूरे अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, एकमात्र सीट गीता कोड़ा के पास था चाईबासा, लेकिन वह भी अंतिम समय में बीजेपी का दामन थाम लिया। अब चुनाव जब हुए तो उसमें 2 सीटें लोहरदगा और खूंटी, खूंटी यानी अर्जुन मुंडा को हराकर कालीचरण सिंह मुंडा सांसद बने, और वही लोहरदगा में सुखदेव भगत यानी बात करें सुदर्शन भगत का टिकट काट करके समीर उरांव को दिया गया था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरी सियासत में यानी आगामी जो 5 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को जरूर फायदा मिलता दिख रहा है, इसीलिए वो पूरी तरह से इसमें साथ में लगे हुए हैं। अब रह गई बात कि मंत्री बनने की बात, आलमगीर आलम जो है टेंडर घोटाले मामले में अभी जेल में हैं, अल्पसंख्यक से हैं और वह आते हैं पूरी संथाल से। निश्चित तौर पर अब
अल्पसंख्यक का जो सीट है वह कांग्रेस में खाली है, तो उनकी जगह पर जो जामताड़ा के विधायक हैं इरफान अंसारी वो जरूर बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो दूसरी ओर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है बैजनाथ राम का भी नाम चर्चा चल रहा है, और पुराने जो चेहरे हैं यानी सभी मंत्री जो पुराने हैं वही रहेंगे, बेबी देवी हैं, मिथिलेश ठाकुर हैं, सत्यानंद भोक्ता हैं, बन्ना गुप्ता हैं, बादल पत्रलेख हैं, रामेश्वर उरांव हैं, सभी मंत्री वही पुराने रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का जो समीकरण बन रहा है पूरे झारखंड की सियासत में, वो दो नए चेहरे बनेंगे, एक इरफान अंसारी, दूसरा बैजनाथ राम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि बीते जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें लोहरदगा और बगल का जो सीट है यानी रांची से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर खूंटी लोकसभा है, जो अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री रहे, 5 साल तक ट्राइबल मिनिस्टर रहे, उनको हरा कर कालीचरण सिंह मुंडा सांसद बने, तो इससे पूरी तरह से जो फायदा हुआ है कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही फायदा हुआ है। जहां एक भी सीट नहीं थी, अगर 2019 की बात करें तो गीता कोड़ा पंजा के चुनाव पर लड़ी थी और सांसद बनी थी, लेकिन एंड वक्त अंतिम समय में वह बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आगामी जो 5 महीने के बाद अक्टूबर में चुनाव की घोषणा होगी और निश्चित तौर पर जो चुनाव होंगे और जो हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा उससे कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। और कुल मिलाकर के जो सियासी रणनीति बन रही है पूरे झारखंड की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी जो हावी हो रही है वो उसके पास कोई भी नहीं, इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो 5 ट्राइबल सीट है झारखंड में 14 लोकसभा में, वो 5 ट्राइबल सीट कहीं ना कहीं गंवाया है, और 28 सीट ट्राइबल की है विधानसभा में, उसके मात्र 2 सीटें खूंटी और तोरपा जो सीट है वो मात्र बीजेपी के पास है, और सभी 26 सीटें कहीं ना कहीं सत्ताधारी गठबंधन के पास है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस पूरी सियासत में अगर 5 महीने के बाद जो चुनाव होंगे इसमें फायदे जरूर होंगे कांग्रेस को। अब देखना यह है कि जो आज 4:50 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, अब इनके चेहरे पर पूरी रणनीति बनेगी, अब जाकर के इस तरह से संथाल और कोल्हान में कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि कोल्हान से जो आते हैं यानी चंपई सोरेन, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो करीबी हैं, कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी जरूर उनमें है, और इसलिए भी है कि 5 महीने का जो कार्यकाल चंपई सोरेन का रहा है वह पूरी तरह से बेदाग रहा और रणनीति बनाई, पूरी प्रशासनिक अधिकारियों में उनका छवि अच्छा रहा, सभी जो वह निर्णय ले रहे थे बहुत निरंजन तो क्या निर्णय ले रहे थे। लेकिन इस बात को लेकर कोल्हान वर्सेस संथाल की जो लड़ाई है उसको हेमंत सोरेन ने जन दे दिया, उसको जेएमएम ने जन दे दिया, जिसको हवा देती हुई बीजेपी भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो पूरी झारखंड की जो अगर हम राजनीति की बात करें तो संथाल में बीजेपी कहीं नहीं है, मान के चलें एक नंबर का जो विधानसभा आता है, राजमहल से बात करें, राजमहल हो गया आपका, लिट्टी पाड़ा हो गया, शिकारी पाड़ा हो गया पूरी तरह से, उसके बाद कोल्हान की जो बात करें, दोनों जगह से कहीं ना कहीं इस बात के साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं जो अभी बीते दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें करारी शिकत बीजेपी को मिली है। अब जबकि पूरी तरह से 5 महीने के बाद चुनाव होने हैं और अब हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ने हैं, क्योंकि हम अगर बात करें पिछले 2019 से तो 2019 से लेकर अब तक 2019 से लेकर अब तक जो भी उनके फैसले हुए हैं, कई ऐसे फैसले हुए हैं, अबुआ आवास, अबुआ स्वास्थ्य योजना, बात करें हम सर्वजन पेंशन योजना, कई ऐसे निर्णय लिए हैं हेमंत सोरेन जो पूरे जनहित में जनता के तौर पर किया गया है, कई ऐसे योजना हैं जो छात्रवृत्ति के तौर पर विदेश में बच्चों को यहाँ पढ़ाई हो रही है, और कई ऐसी योजना हैं जो हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की पेंशन की बात करें जो 25 साल से 49 साल की महिलाएँ किसी भी जाति का किसी भी धर्म का है उनको 1,000 रुपये महीना मिल रहा है, और 15 लाख रुपये सबसे बड़ी बात है कि अबुआ स्वास्थ्य योजना तौर पर लागू हुआ है, इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए निरंजन आपके पास आएंगे, संजय भी हमारे साथ लगातार राजभवन से जुड़े हुए हैं। संजय, राजभवन की अगर बात करें तो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित भी करेंगे मीडिया से, क्या कुछ वैसे भी हलचल बढ़ रही है? तैयारी पूरी है, और यहाँ पर देखिए कि जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ वहाँ पर तमाम मीडिया को इंतजार है हेमंत सोरेन जो कि अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनके बाहर निकलने का, और संभव है कि हेमंत सोरेन जब राजभवन के गेट से बाहर निकलें तो वो आप सीधे कि यहाँ पर जो है गेट से बाहर निकलें, तो वैसे स्थिति में हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे और सीधे यहाँ पर आकर के मीडिया को संबोधित करें। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया
मीडिया को भी इंतजार है, कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब हेमंत सोरेन को आज की तारीख में देना चाहिए। देखिए, एक हेमंत सोरेन या पार्टी की ओर से कोशिश से की गई है कि एक रवानगी को देने की, कि जेएमएम में वो रवानगी आएगी सियासी चुनाव को लेकर और एक बड़ा मैसेज देने को लेकर। हेमंत सोरेन आपको फिर वो नारा आपको गूंजता सुनाई देगा कि हेमंत है तो हिम्मत है। वो नारा 5 महीने के लिए कहीं दब गया था, अब वो नारा आपको बुलंद होता भी नजर आएगा पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से। और फिर आपको जैसे ही हेमंत सोरेन देखिए, जब वो कल सरकार बनाने की दावेदारी पेश करने के बाद राजभवन से निकले थे तो यहाँ पर भी आकर के चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों ने मीडिया से बात की थी। तो अब एक फिर इंतजार है कि जब चूंकि हेमंत सोरेन अब सीएम बन चुके हैं तो जाहिर है कि मीडिया को संबोधित जरूर करना चाहेंगे, मीडिया से बात करना चाहेंगे और एक दो सवालों जरूर लेंगे मीडिया का। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए और साथ ही साथ